प्रदेश के 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और त्रिपुरा में वोट डाले जा रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, देवबंद और बीकापुर विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो कर्नाटक के देवदुर्गा, बीदर और हेबल विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सभी सीटें अब तक समाजवादी पार्टी के ही पास थी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो यहां मधुबनी जिले के हरला के विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हो रहा है। पंजाब के खडूर साहिब विधानसभा सीट पर भी मतदान इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर विधानसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं। महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तेलंगाना में भी एक एक सीट पर चुनाव हो रहा है। और फिलहाल प्रदेश से किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण सिंह, साथ ही साथ भोपाल से मनोज शर्मा और बिहार के आरा से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हम हाल जान लेते हैं, जहां का हाल हम आपको यहां पर बता ही देते हैं कि सबसे ज्यादा सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास ही है। तो ऐसे में आज क्या रुख आप यहां पर देख रहे हैं अरुण सिंह? देखिए, सीटें तो सिर्फ तीन हैं, उत्तर प्रदेश में तीन सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इसके नतीजे काफी कुछ बताएंगे कि हवा का रुख किधर है। 2017 का चुनाव होना है, एक साल के आसपास समय बचा हुआ है और समाजवादी पार्टी अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाए रखने की हर संभव कोशिश कर रही है, सरकारी कार्यक्रम कर रही है, अब एक तरह से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी जो 80 में से 71 सीटें लोकसभा की 2014 के चुनाव में जीत चुकी है, उसकी नजर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने की है, सरकार बनाने की, क्योंकि पिछले दो तीन विधानसभा चुनाव में उसको मुंह की खानी पड़ी है और बीजेपी साबित भी करना है कि जो 71 सीटें आई थी वो तुक्का नहीं थी। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों में कशमकश है और एक और फैक्टर पर नजर रखनी होगी, बीकापुर विधानसभा में जो ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन सबको मिलाकर के 2017 की हवा किधर बह रही है उसका भी कुछ रुख पता चलेगा। बिल्कुल, भी उसका भी कुछ रुख पता चलेगा और यहाँ पर चुनौती बड़ी है। अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे चंद्रमोहन कुमार का। चंद्रमोहन, क्या अपडेट आप तक इस वक्त अभी पहुंच पा रही है, क्या देख पा रहे हैं आप वहां? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जैसे चुनाव होता है वैसे ही चल रहा है। यहाँ पर मुख्य तौर पर दो पार्टियां आमने सामने हैं, जिसमें एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, जिसमें ये सीट जो पहले है वो रालोसपा के हाथ में थी, जहां से बसंत कुशवाहा चुनाव जीते थे और दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी मौत हो गई थी, जहां से उनके बेटे सुधांशु कुशवाहा अभी चुनाव मैदान में है। तो कांग्रेस से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो अभी कांग्रेस से शब्बीर अहमद वहां से चुनाव मैदान में है। तो अभी चुनाव जारी है और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर किसकी जीत होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में जो अभी गतिविधियां चल रही है, जिस तरह से लूट, हत्या, अपहरण और लगातार रंगदारी जारी है, तो उसमें जनता क्या चुनती है और किनके वो देखने वाली यहाँ पर बिल्कुल बात होगी। अब भोपाल से भी हम फटाफट से एक रिएक्शन ले लेते हैं, मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, वाकई क्योंकि जो चुनाव की जो पहले दो घंटे की वोटिंग आई उसमें 17% मतदान मैहर उपचुनाव में हुआ है, मतलब लोगों में उत्साह है और फैसला इस बात का होना है कि एक दल बदल करने वाला है। एक कांग्रेस का प्रत्याशी जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतता है आखिरी वक्त पर बीजेपी में जाता है और बीजेपी उसे अपना प्रत्याशी बनाकर अब चुनाव मैदान में खड़ा करती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जादू कितना चलता है, क्योंकि अगर ये जीत होगी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होगी, क्योंकि प्रत्याशी की लेकर वह एक जो इलाके में था कि पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आ गए। तो सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री ने जो वहां पर लगातार एक के बाद एक रोड शो किए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के वो रोड शो जादू दिखा पाते हैं या नहीं, कितना जादू चल पाता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे हम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।